कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग असेट होना चाहिए। डायरेक्टली रिलेटेड यानी वो फंड आपने पर्टिकुलर असेट के लिए लिया है, इसी वजह से आपको इंटरेस्ट इनकर्ड हुआ है। क्वालिफाइंग असेट में कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस, इंटेंजिबल असेट इन डेवलपमेंट स्टेज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेंट्री हैविंग ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मोर देन 12 मंथ, तो उसका इंटरेस्ट उसी असेट में अप टू बुक टू यूज ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट इन केस और इन काइंड दैट इज एक्सचेंज ऑफ असेट से भी पे किया जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट एनी अदर ग्रांट और प्रोग्रेस पेमेंट लोन में रिपे करेंगे उसका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। स्पेसिफिक बोरोइंग पर्टिकुलर असेट के लिए लिया होता है इसीलिए उसका इंटरेस्ट कॉस्ट पुट टू यूज तक उसी में एड होगा। जनरल बोरोइंग में टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाई टोटल फंड करके हम कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करते हैं। वो पर्टिकुलर असेट में जो फंड यूज हुआ है उसको कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई करके उसका इंटरेस्ट उसी असेट में ऐड करेंगे।